जिंदगी में थोड़ा बहुत शतरंज आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिश्ते निभा रहे होते हैं और सामने वाला अपनी मोहरे चल रहा होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। शवनासना, जी हाँ, इसका नाम है अधोमुख शवनासना। इसके फायदे और इसकी गलतियाँ जो लोग करते हैं और इसके करने का तरीका, तीनों में इस आसन में बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ पूछना हो, बताना हो, समझाना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अधोमुख शवनासना। अधोमुख शवनासना करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। अब हम आगे झुकेंगे और फिर पैर उठेंगे, पैर को ऊंचा रखेंगे और पैरों में हाथों में खिंचाव होगा तो सरज, पैरों में और हाथों में खिंचाव होगा और सर से ध्यान से रखेंगे। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे आप। उसके बाद वापस आएंगे और फिर बैठ जाएंगे यहाँ पे रिलैक्स की मुद्रा में। फिर करेंगे, देखिए ध्यान से किस तरह से मैं कर रहा हूं। सांस की गति नॉर्मल रहेगी, इसलिए सांस नॉर्मल ही रहेगी हमेशा, बस आपको आसन करना है। हाथों को खींचना है, पैरों को खींचना है और ये हील नीचे जमीन पर खींचे रहेंगे। अधोमुख शवनासन इस आसन का नाम है। अब इसके फायदों की बात करूं, गलतियां तो मैंने ये बताई है इसमें कि ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, ब्रीदिंग तो कोई दिक्कत नहीं। अब फायदे की अगर बात करूं, अनिद्रा, नींद की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन, कंधे पीठ में दर्द, साइनस, हाई बीपी प्रॉब्लम और तनाव, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाचन, मोस्टली योगा में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम और कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक होते हैं। इसमें भी यही है, तनाव वगैरह भी नहीं होंगे। तो देखा कितने सारे फायदे हैं इस अधोमुख शवनासना में। तो आप इससे घर पर जरूर कोई करने की कोशिश करें और भोला फिटनेस में बने रहने का, वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।